हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि उसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं, और यहाँ पर पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है और ऑक्सीजन जो है वो दो है। तो हम देखें तो जो रिएक्टेंट्स हैं वहां पर तो पोटेशियम एक है और जो प्रोडक्ट्स है वहां पर भी पोटेशियम एक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जो क्लोरीन है यहाँ पर एक है और प्रोडक्ट्स में भी एक है, तो ये भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पर तीन है और यहाँ पर दो है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। इनको हमको सेम करना पड़ेगा। अब जब भी हमको इनको सेम करना होता है तो हम सबसे पहले तो इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको जो भी चेंजेस करने हैं हम इस केमिकल फॉर्मूला में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूला में कोई चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो बदल जाएगा, जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर O3 है और यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर मैं अगर O3 कर दूँ तो भी जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम O2 को O3 नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर CO हो उसकी जगह पर अगर मैं CO2 कर दूँ तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, हमारे कंपाउंड्स ही चेंज हो गए, हमारे एलिमेंट्स ही चेंज हो गए, तो हमारी केमिकल इक्वेशन ही रॉन्ग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका हम एक टेबल बना लेंगे। इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे जिसके फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे हमारे एलिमेंट्स, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड दैट इज रिएक्टेंट्स के, और नंबर ऑफ एटम्स RHS साइड दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन योर प्रोडक्ट्स। तो अगर हम K की बात करें तो जो हमारे रिएक्टेंट हैं उसमें K का नंबर था हमारा 1, और जो रिएक्टेंट हैं उसमें भी जो प्रोडक्ट है उसमें भी K का नंबर है 1। क्लोरीन जो है उसमें रिएक्टेंट्स में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 1, और जो RHS है उसमें भी क्लोरीन है 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है हमारे 3, और राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड है वो 2। तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर बैलेंस करना है और इनको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे 6। तो इस साइड हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन एटम हो गए 6, और यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन एटम्स हो गए 6, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन जो हैं वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो पोटेशियम हो गए हमारे 2 और क्लोरीन भी हो गए हमारे 2। तो अब हमको इन RHS में दैट इज हमारे प्रोडक्ट्स में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको इक्वल करने के लिए। तो जो हमारा ये वाला कंपाउंड है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2K हो गया, 2Cl हो गया, इस साइड भी 2K है, 2Cl है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 × 3 = 6 है, और यहाँ पर भी 3 × 2 = 6 है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास बैरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब इस साइड अगर हम देखें रिएक्टेंट्स में तो बैरियम हमारे पास एक है और प्रोडक्ट्स में भी बैरियम एक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही है, तो हमको इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हमको बैलेंस किस किस को करना है, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को। तो हम देखें यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी हमको बैलेंस करना था। अब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव राइज टू BaSO4 प्लस 2HCl। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है FeCl2 प्लस H2S गिव राइज टू HCl प्लस FeS। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आयरन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो यहाँ पर आयरन का 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है। और अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, आयरन 1 है और सल्फर भी 1 है। तो आयरन यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो ये हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। तो हमको बैलेंस किस किस को करना है, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 1-1 हैं। तो इस पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा FeCl2 प्लस H2S गिव राइज टू 2HCl प्लस FeS।